नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से निष्ठा की जो ट्रेनिंग है वो किस किस को करनी है, कौन कौन से जो टीचर्स हैं उनको निष्ठा की ट्रेनिंग करनी है। मुख्य रूप से जो HM है एलिमेंट्री स्कूल्स में और एलिमेंट्री के जो टीचर्स हैं उनको ये निष्ठा की ट्रेनिंग करनी है। दूसरी बात, जो शिक्षक पहले वंचित रह गए थे पिछले ईयर जो निष्ठा ट्रेनिंग हुई थी उनको ये ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो वंचित रह गए थे उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन हम किस प्रकार से करेंगे उसकी संपूर्ण प्रक्रिया देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले, जैसा कि हमने बताया, जो साइट है दीक्षा की और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। दीक्षा ऐप एक बिल्कुल ही छोटा ऐप है, 11 MB का ये एप्लीकेशन है। यहाँ हमको प्ले स्टोर में जाके राइज दीक्षा या फिर दीक्षा ऐप लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के पश्चात जो प्रक्रिया करनी है उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी यहाँ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे हम। जैसे ही हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे, ऐसा प्ले जो हमारे सामने आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर हमको लैंग्वेज चूज करनी है, कौन सी लैंग्वेज हमको सेलेक्ट करनी है। या हिंदी भी कर सकते हो या फिर अंग्रेजी भी कर सकते हो, तो यहाँ हम हिंदी कर ले रहे हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में आपकी भूमिका क्या है, आप टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जो बोर्ड का चुनाव करना है, कौन से बोर्ड से आप आते हो, तो उसमें राजस्थान का चुनाव करना है। उसके पश्चात जो मीडियम है अपना, मीडियम अपन कोई सा भी ले सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी या फिर संस्कृत, जिसमें भी अपन लेना चाहें। उसके पश्चात कक्षा की बारी आती है, तो कक्षा जिस भी कक्षा में हम अध्ययन करा रहे हैं, ये मुख्य रूप से एलिमेंट्री के लिए है, तो कक्षा 1 से 8 या फिर 1 से 5 तक यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है वो जनरेट हो चुका है। जिन साथियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको प्रोफाइल में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करते समय ध्यान ये रखना है कि जो स्टेट लॉगिन है हमारा उसी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, जो नीचे ही नीचे के जो टैब है उसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद में जो इंटरफेस आएगा वो आपके सामने देखो। यहाँ पर हमको दोबारा से स्टेट का चुनाव करना है। इसके लिए आपको सही नेटवर्क कवरेज में रहना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना नेटवर्क कवरेज के जो सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ हम बैक कर लेते हैं, यहाँ दोबारा से स्टेट का चुनाव करते हैं। तो यहाँ जैसा भी आपका स्टेट है, यहाँ राजस्थान है, तो यहाँ इस पे क्लिक करके हम आगे चले जाते हैं। उसके बाद में ये जो लिंक है हमारा सीधा स्टाफ लॉगिन में खुलता है। यहाँ स्टाफ लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड डाल के हमको लॉगिन कर लेना है, और जो कैप्चा कोड हमारे सामने दिए गए हैं उनको डाल लेना है। इससे जो आगे की प्रक्रिया है वो ये है कि जैसे ही हम स्टाफ लॉगिन में अपना निक आईडी और पासवर्ड डालेंगे, तो हमसे अपने जो शाला दर्पण पर रजिस्टर्ड मोबाइल है वो मांगेगा। वो हमको डाल के एक OTP प्राप्त करेंगे, उस OTP को डाल के हमारा रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी की सारी प्रक्रिया है वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए करनी है। जो साथी नए हैं, जिन्होंने पहले निष्ठा प्रशिक्षण नहीं लिया है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।